अतिथिगण एवं श्रोताओं, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं शौर्य महाजन, कक्षा 8 का छात्र। आज इस बाल कवि सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अपने विचार एक स्वरचित कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है नेता सुभाष कहलाया था। 23 जनवरी 1897 को आजाद भारत के सपने के साथ जो आया था, कोई और नहीं वो जानकी नाथ और प्रभावती का पांचवा सपूत कहलाया था। भारत के लोगों को जिसने आजादी के लिए तैयार करवाया था, कोई और नहीं वो कटक का स्वतंत्रता सेनानी सुभाष कहलाया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा जिसने बुलवाया था। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, उसी मेधावी ने यह सिखाया था। आजाद हिंद फौज का नेता था बड़ा होनहार, कर गया पूरे देश को नेतृत्व के लिए तैयार। 1939 में गांधी जी से हुए विवाद में वो पकड़े गए, 1940 में ब्रिटिश की गिरफ्त में वो जकड़े गए। इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्निर्माण कर डाला, सिंगापुर के युद्ध में अपना नाम कमा डाला। अंडमान निकोबार में अस्थाई सरकार थी बनाई, बोस ने की स्थापना और अपने नाम से ही चलाई। जय हिंद के नारे को अपनी आर्मी का नारा बना दिया, जय हिंद के नारे को अपनी आर्मी का नारा बना दिया। नेतृत्व कैसे करना है अपनी करिश्माई ताकत से सबको सिखा दिया। दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने बतलाया था, निस्वार्थ भाव से कर्म करना हमें सिखाया था। रणदेवी के चरणों में अपना शीश चढ़ा गए। 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में आजादी का सपना ध्वंस करा गए। बर्मा विजय पताका लहरा के नाम कमा गए। क्रांति करने का संदेश राष्ट्र को सिखला गए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्लैपिंग करी।